हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक बेसिक वीडियो बनाई है जिसमें हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रो की है। जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों ने नहीं देखी, वो सबसे पहले वो देख लें, आपको इजी समझ में लगेगा ये सब क्या कुछ कैसे करना है। हमने तो इन्होंने बोला है कि जो पहले आपके टेन सम हैं उनको आपने एक्सप्रेस करना है ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। उसको आपने ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में बनाना है। पहले टेन सम को, पहले जो टेन सम है आपके एक्सरसाइज के, उसको आपने ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में बनाना है। तो पहला सम है, पहला सम क्या है, 5 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 3 ओवर 5 अयोटा के साथ। तो यहाँ से क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से पहले रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 ओवर 5, इनको हमने अलग मल्टीप्लाई कर लिया। और उसके साथ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी इधर का क्या है, ओनली अयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई इधर का इमेजिनरी क्या है, ओनली अयोटा। तो इनको ऐसे करके मल्टीप्लाई, अयोटा इंटू अयोटा मल्टीप्लाई, ये बन गया अयोटा स्केयर, ओके। और इधर क्या बन रहा है, ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा है ओनली माइनस का 3। अब मैंने आपको वहाँ पे बेसिक वीडियो में बताया था अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1, याद है ना, अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, माइनस 1। इसको बस दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1। यहाँ पर फिल किया तो ये हो गया माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव का 3। अब हमने इसको ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में बनाना है। अब इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है हमारे पास, ये क्या है, रियल पार्ट है। तो फिर ये फॉर्म क्या हुई, 3 प्लस 0 अयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर्म तो बनानी है ना ए प्लस अयोटा बी, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। सेकेंड सम में अयोटा की पावर 9 है प्लस अयोटा की पावर 19 है, हमने इसको ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में बनाना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा रियल पार्ट है वो देखो कुछ भी नहीं है, 0 है। तो मतलब पहला तो हमारा रिजल्ट आया ना 0, जो हमारा रियल पार्ट है वो क्या है ना, 0, क्योंकि ए हमारा रियल पार्ट होता है, अयोटा बी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, बेसिक वीडियो में किया था। अब देखो रियल पार्ट तो है ही नहीं है, यहाँ से सीधा ही पता चल रहा है कि हमारा ए क्या है, 0 है। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। अब मुझे अयोटा 9 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद प्लस इस अयोटा की पावर 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अयोटा 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा की पावर 2 और इसके ऊपर मैं डाल लेता हूँ 4, क्योंकि मेरे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है, मालूम है ना, मेरे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, मल्टीप्लाई अयोटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। प्लस अब इसको भी ऐसे लिख लो, अयोटा की पावर 18 को कैसे लिखोगे, यहाँ पर 2 डालकर क्या लिखोगे ऊपर के, आपके पास 18 बन जाए, तो 9 लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई अयोटा। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू, अयोटा स्केयर की वैल्यू मुझे मालूम है माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा, प्लस ये माइनस अपना अयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 हुई, इसकी पावर 9 मल्टीप्लाई अयोटा। अब देखो माइनस 1 की पावर क्या है, इवन है, तो रिजल्ट भी इवन ही आएगा, मल्टीप्लाई अयोटा। प्लस माइनस 1 की पावर क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट भी क्या आने वाला है, ऑड ही आने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अयोटा, इसको सॉल्व करो, ये बन गया हमारे पास माइनस का अयोटा, माइनस का अयोटा, प्लस ये बन गया अयोटा, और प्लस अयोटा माइनस अयोटा, मतलब ये तो 0 ही हो गया ना, 0 हो गया ये तो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पर सीधा आया ना माइनस, अयोटा माइनस अयोटा 0, तो हमारा रियल पार्ट भी 0 आया है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 0 आया है। थर्ड सम को भी रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में लेकर आना है। तो यहाँ पर देखो इन्वर्स चल रहा है, पहले इसे पॉजिटिव बना लो, इसको आप ऐसे जब लिखोगे तो ये हो गया अयोटा की पावर 39, क्योंकि नीचे रिजल्ट कर वो पॉजिटिव हो जाना है, क्योंकि ऊपर इन्वर्स है। अब इसको आप किस तरह लिख सकते हो, 1 ओवर, इसको आप पहला पॉजिटिव का बना लो, अयोटा की 38 ऐसे लिख लो, और मल्टीप्लाई अयोटा, क्योंकि 39 ही बनना है, तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर अयोटा की स्केयर, है ना। आपको क्या करना है, स्केयर में बना लेने हैं। अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि आपके पास 38 आए, 19 मल्टीप्लाई अयोटा,
अब योटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम होती है कितनी होती है, माइनस का 1 की पावर हो गया 19 मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है अयोटा। अब किसी किसी फंक्शन की पावर ऑड हो तो रिजल्ट भी ऑड ही आएगा, तो -1 मल्टीप्लाई अयोटा तो रिजल्ट क्या है 1 ओवर माइनस का अयोटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन अयोटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो नई बात आपने सीखनी है, हमको जो फॉर्म बनानी है वो किसमें बनानी है, ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म। बट यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमें एक काम और करना होगा। अब बात दिमाग में बिठा लीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमें नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए होता था, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के जब सम करते थे नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए था, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में हमें नीचे अयोटा नहीं चाहिए, नीचे जो है वो अयोटा नहीं चाहिए, इसलिए इसको ख़त्म करना होगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे रैशनलाइज में, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई अयोटा के साथ डिवाइड, तो ये फिर क्या बन जाना है, ऊपर हमारे पास माइनस का अयोटा, नीचे बन जाना है अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू मालूम ही है कितनी होती है, -1 और ऊपर क्या है माइनस का अयोटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या है ओनली अयोटा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा रियल पार्ट तो कुछ भी नहीं बन रहा है ना, रियल पार्ट तो हमारा क्या है कुछ भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब फिर ये ए क्या हुआ हमारा 0 प्लस अयोटा ओनली अयोटा, क्योंकि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है ओनली अयोटा है। तो ऐसे ये सम भी कंप्लीट हुआ है। फोर सम को सॉल्व करके कैसे भी करके ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लेकर आना है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है जैसे सात सम्स में ला रहा है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 21 प्लस ये बना हमारे पास 21 अयोटा, क्योंकि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसको इसके साथ किया, ये बन गया हमारे पास 7 अयोटा प्लस ये बना 7 अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू मालूम है कितनी होती है, -1, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली लिख दो क्या होता है -1, -1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन जाना -7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फिर -7 आ गया। तो अब सॉल्व कर लो, इस 21 से 7 को माइनस करो कितना आएगा 14, उसके बाद इनको और इनको ऐड कर लो, ये बन गया प्लस का 28 अयोटा। तो ये देखो ये हमारा बन ही गया इस फॉर्म में ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। यहाँ पर एक बात ध्यान रख लो कि जो रियल पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रियल के पार्ट पार्ट के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी जो पार्ट है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ ही जहाँ तो हम ऐड कर सकते हैं या फिर हम माइनस कर सकते हैं। फिफ्थ सम भी बिल्कुल सेम ही है जैसे 4 था, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया ये बना 1 माइनस अयोटा, ये बन गया प्लस का 1 और ये बन गया माइनस का 6 अयोटा। अब ये देखो ये दोनों रियल हैं है ना, दोनों रियल हैं, तो क्या बन जाएगा 2 और ये माइनस का अयोटा माइनस का 6 अयोटा, तो ये क्या बन गया माइनस का 7 अयोटा। तो इनको इनके साथ कंपेयर कर लो, ये फॉर्म बन रही है सेम ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म बनाना है, तो माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/5 प्लस अयोटा 2/5, उसके बाद माइनस का 4 और माइनस का अयोटा 5/2। अब ऐसे करो रियल वाले पार्ट जो है ये रियल वाले हैं, इनको एक साथ कर लो 1/5 माइनस का 4 और ये जो इमेजिनरी वाले हैं इनको एक साथ इकट्ठा कर लो, तो बन गया प्लस का अयोटा 2/5 और माइनस का अयोटा 5/2। इनमें से अयोटा को कॉमन निकाल लो, तो ये अयोटा यहाँ पर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा 2/5 और माइनस का 5/2 ऐसा हो गया, और बाहर क्या चल रहा है इसके नीचे मन लगा कर एलसीएम कर लो, ये बनेगा आपके पास 1 -20/20 है ना, ऐसे बन गया। तो आप देख सकते हो ऐसा ही आएगा आपका ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म ही आएगी, तो ये बन गया हमारे पास 19/20 ओके प्लस अयोटा, यहाँ पर भी एलसीएम कर लो, ये बना 4 -25/10 सॉल्व कर लो, ये बना 19/20 प्लस अयोटा, ये बना माइनस का 21/10। तो ये माइनस को यहाँ पर शिफ्ट कर लो है ना, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, और ये अयोटा चाहे आगे हो चाहे पीछे हो बात एक ही होती है, चाहे ऐसा भी हो सकता है अयोटा भी हम जहाँ फिर ऐसे भी ले सकते हैं, ये हमारे पास बी अयोटा बात एक ही होती है। ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में बनाना है, डिट्टो कॉपी 6 नंबर है। तो यहाँ पर देखो प्लस है इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, तो इसको पहले तो इस ये जो ब्रैकेट है इनको उड़ा दो,
ये बनेगा 1/3 प्लस अयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस अयोटा 1/3 ऐसा है। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4/3 प्लस का हो जाएगा और ये बनेगा माइनस का अयोटा, ठीक है ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है तो ये प्लस का हो गया ना, तो यहाँ पर क्या है ना प्लस आ जाना है, ठीक है यहाँ पर क्या है ना प्लस आ जाना है, तो चलो ये प्लस हो गया। इस माइनस को अंदर जो मल्टीप्लाई किया तो इसने प्लस का कर दिया ना 4/3 को, और ये इसको ये माइनस का हो गया। अब सेम का वही जो रियल है उनको एक साथ इकट्ठा लिख लो, रियल वाले कौन से है ये है और ये है और ये है, इसको एक साथ इकट्ठा लिख लो, ये बनेगा 1/3 और प्लस का 4 और प्लस का 4/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 4/1 हो गया। अब जो इमेजिनरी वाले हैं उनका यूटा बाहर कॉमन निकाल कर लिख दो, ये है 7/3 और ये है प्लस का 1/3 और माइनस का ये यूटा है ना, यहाँ पर यूटा था वो कॉमन निकल गया तो क्या बचा ओनली 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। तो बस अब देख ही रहा है क्या होना है, एलसीएम होना है ओनली। अब एलसीएम आप लोगों को आता ही है, जब आप एलसीएम करोगे तो पहले रियल का आएगा 17/3 प्लस यूटा, इनका जब एलसीएम करोगे ये आएगा 5/3, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। गाइस 8 नंबर समय ना, इनको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस 4 को स्प्लिट कर लो स्केयर स्केयर में ऐसे करके 1 माइनस अयोटा की पावर 2, 1 माइनस अयोटा की पावर 2 ऐसे करके, तो आप ए माइनस बी की स्केयर का फॉर्मूला लगा लोगे है ना, ये दो बार लगेगा फार्मूला। और जहाँ फिर एक तरीका एक और है, क्या वो तरीका जो मैं करने वाला हूँ वो ये कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1 माइनस अयोटा की पावर 2 की होल पावर 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब बीच में a माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो चलो लगा दो, ए से ऊपर चल रहा है ऐसे करके ए स्केयर उसके बाद प्लस बी स्केयर यानी अयोटा स्केयर यहाँ पर डालोगे बाद में, ठीक है बाद में डालेंगे, उसके बाद माइनस का 2ab और इसकी होल पावर चल रही है 2, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा की पावर 2 है ना, तो ये हमारा 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास -2 अयोटा की पावर 2 बना। तो ये अलग अलग लिखेंगे, -2 की पावर 2 अलग और मल्टीप्लाई अयोटा की स्केयर अलग, अयोटा स्केयर क्या होता है -1 इंटू ये बना हमारे पास 4, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास माइनस का 4। तो रियल पार्ट हमारा क्या आया माइनस का 4 प्लस इमेजिनरी तो कुछ नहीं आया, तो 0 अयोटा, ए प्लस अयोटा की बी फॉर्म बनानी है। तो ये देखने से ही पता चल रहा है ए प्लस बी की क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है, जो क्लास 10th में 8th में 7th में की थी है ना, तो ये वो होती है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर क्लास 11 होगी आपकी, तो आपको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास का काम रह गया एज़ कम्पेयर टू क्लास 11th। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसको भी याद कैसे करना, वो क्लास 10th के 4th यूनिट के बेसिक में है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो भी इनको याद कैसे करना है। तो इनको कंपेयर कर लो, तो ये बनेगा ए क्यूब यानी 1/3 की क्यूब, उसके बाद प्लस बी क्यूब यानी 3 अयोटा की क्यूब, उसके बाद प्लस 3 की मल्टीप्लाई ए के साथ और इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ, ठीक है फिर ब्रैकेट में चल रहा है ए प्लस बी यानी 1/3 प्लस 3 अयोटा, इसके नीचे 1 लगा लो एलसीएम करने में काम आएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, ये बना 1/27 और प्लस ये 3 अयोटा की क्यूब, ये बनेगा 27 अयोटा की क्यूब और प्लस ये 3 को 3 के साथ यहाँ पर कैंसिल कर दो है ना, तो फिर और 3 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बना 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 अयोटा ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ये बनेगा 3 अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, तो 1/27 प्लस 27 अयोटा की क्यूब। अब यहाँ पर क्या बचा है प्लस अयोटा प्लस ये क्या बना 9 अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है मालूम है, तो फिल करो, ये बना 1/27 प्लस 27 इसको ऐसे लिख सकते हो ना अयोटा की स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा ऐसा लिख सकते हो है ना, और बाकी एक बार सब कुछ ऐसे लिख लो अयोटा मल्टीप्लाई 9 अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू फिल कर दो कितनी होती -1, तो लिख दो 1/27 प्लस 27 अयोटा स्केयर -1 मल्टीप्लाई
माइनस वन मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाना सब कुछ, माइनस का 27 अयोटा। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 27, माइनस का 27 अयोटा प्लस ये अयोटा, और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर माइनस वन फिल किया तो ये हो गया माइनस का 9। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 9, ब्रैकेट क्लोज कर लो एक बार। तो जो रियल वाले हैं उनको एक साथ लिख लो, इमेजिनरी वाले एक साथ लिख लो, ये हमारे रियल वाले हैं इनको एक साथ लिख लो। तो ये बनेगा 1/27 माइनस का 9, इसके नीचे 1 लगा लो, बाद में एलसीएम करने के काम आएगा, ठीक है। ये हो गया रियल, इनमें से माइनस के अयोटा को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो बचने क्या वाला है, 27 माइनस का 1, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो, इमेजिनरी पार्ट तो हमारा आ रहा है 26 अयोटा माइनस, इसका एलसीएम करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 242/27। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। जैसे कि टेंथ सम में पता चल रहा है कि क्यूब का फॉर्मूला लगना है, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर प्लस वाला लगाएं और माइनस वाला लगाएं। ये स्टूडेंट लग तो दोनों जाएंगे, बट इजी हो जाएगा जब आप इनमें से माइनस को कॉमन निकाल दो। जब आप माइनस को कॉमन निकाल दोगे तो ये ऐसे बनेगा 2+1/3 अयोटा की पावर 3, ऐसा बन जाएगा। तो आप यहाँ से देख ही रहे हो कि ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो लगा दोगे, बस ला सभी के बाहर क्या है, माइनस चलता जाएगा। तो ए क्यूब, 2 की क्यूब 8, उसके बाद प्लस बी क्यूब यानी 1/3 अयोटा की क्यूब, है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो उसके बाद प्लस 3a मतलब 2 मल्टीप्लाई b मतलब 1/3 अयोटा, ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी 2+1/3 अयोटा, ठीक है, ऐसे है। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बाहर चल ही रहा है, तो ये 8 का 8 इसी तरह आ गया, प्लस ये हमारे पास क्या बना, ये बना हमारे पास अयोटा की पावर 3/27, और ये 3 को इस 3 के साथ कैंसिल कर दो, तो ये क्या बनने वाला है, प्लस का 2 अयोटा, ओके 2 अयोटा, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 2+अयोटा/3 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसको आगे और थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास माइनस का 8 मतलब बाहर माइनस चल रहा है, प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, ऐसे लिख सकते हो, इसके ओवर 27 है, और अयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन जब आप लिखोगे तो फिर माइनस यहाँ पर लिख दिया है ना, तो ये वन यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये वन यहाँ पर, और ये वन मल्टीप्लाई अयोटा क्या होने वाला, ओनली अयोटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, ओनली अयोटा, ठीक है। और 2 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बना 4 अयोटा, और प्लस का 2 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बना 2 अयोटा स्केयर ओवर 3 अयोटा, स्केयर क्या होता है, माइनस वन, तो जब यहाँ पर माइनस वन लिखोगे तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हो गया, अब जो रियल है वो एक साइड कर लो, जो इमेजिनरी है वो एक साथ इकट्ठा कर लो, और ये रियल है इनको लिख लो 8-2/3, और ये इमेजिनरी है, इनका अयोटा बाहर निकाल कर, अयोटा इनका बाहर निकाल कर लिख लो, माइनस का 1/27 प्लस का 4, इसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है। अब जब आप इनका एलसीएम करोगे, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा कर एलसीएम कर लेना, अब तो फिर क्या आएगा, माइनस बाहर ऐसे चल रहा है, इनका जब एलसीएम करोगे वो आएगा 22/3 प्लस अयोटा, जब इनका एलसीएम करोगे ये आएगा 107/27। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। तो इसी तरह से एक्सरसाइज के 10 सम कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।